अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और ये हमारा फर्स्ट व्लॉग है, तो मैं अभी बनाने लगी हूँ चाय। सुबह का टाइम है तो बस अभी मैं चाय बनाऊँगी। और पूरा नाश्ता कैसे बनाती हूँ वो भी आप साथ साथ देखिएगा। चाय बनानी है और आटा गूंदना है और बहुत सारे काम हैं, आलू कट करने हैं और साथ साथ करते हैं। तो ये मैं अभी पहले सबसे पहले चाय बना रही हूँ। चाय को मैंने एक साइड में रख दिया है। तो यहाँ पे मैं गूंदने लगी हूँ आटा। अब मैं जल्दी जल्दी से आटा गूंद गया और क्या क्या काम करती हूँ वो भी आपको साथ साथ बताती रहूँगी। और यहाँ पे मैं पानी निकाल रही हूँ और साथ साथ मैंने किचन भी क्लीन किया है और साथ साथ में आलू भी कट किए हैं। और छोटा सा मेरा किचन है, इसमें थोड़ा सा भी बर्तन फैल जाना बहुत ज़्यादा लगते हैं, तो इसलिए मैं काफ़ी टाइम लगता है मुझे सुबह। तो यहाँ पर मैंने आटा गूंद लिया था और अब मैं जल्दी जल्दी पराठे बना रही हूँ क्योंकि हस्बैंड को अभी जाना है। तो बस साथ साथ पराठे बना रही हूँ और साथ साथ ही दूसरे चूल्हे पे मैं ये आलू फ्राई कर रही हूँ। हस्बैंड को ये बहुत पसंद है, नाश्ते में अच्छे लगते हैं और बन भी जल्दी से जाते हैं। और अगर किसी को ये रेसिपी चाहिए हो तो मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं इंशाल्लाह ज़रूर बताऊँगी। और बहुत जल्दी बन जाते हैं और बहुत अच्छे भी लगते हैं, मज़े के भी। और यहाँ पे मेरा पराठे बन गए हैं। अब जो है ना, मैं जल्दी से चूल्हे को कम करूँगी और शाहजहान और ईशल के लिए अंडा फ्राई करना है, तो बस वो भी यहाँ पे कर रही हूँ। तो बस ऐसे ही सुबह की रूटीन है हमारी कुछ। तो बस यहाँ पे जल्दी से अंडा फ्राई करेंगे और नाश्ता करेंगे और फिर नाश्ते के बाद इंशाल्लाह जो भी होगा आपको बताती हूँ साथ साथ। और यहाँ पे अंडा फ्राई होते तक मेरा साथ साथ आलू भी फ्राई हो गए और बस अब इनको भी निकालूंगी और निकाल के फिर आपको दिखाती हूँ। तो फाइनली हमारा नाश्ता रेडी होके कुछ इस तरह से दिख रहा था। तो मैंने तस्वीर तो जी नाश्ते के बाद मैं आ गई हूँ किचन में। आ नहीं गई हूँ, काफ़ी मैंने क्लीन कर लिया है। नाश्ता करके हस्बैंड चले गए थे किसी काम से और उसके बाद बस मैं यहाँ पे शाहजहान का दूध बॉईल कर रही हूँ। किचन सारा मैंने क्लीन कर लिया है, बस इसका जो है ना बर्तन भी सारे वॉश कर लिए हैं और इसका बस अभी फ्लोर रहता है, बाकी ऊपर के सारे मैंने क्लिनिंग कर लिए। तो यहाँ पर दूध बॉयल कर रही हूँ और ये फ्लोर की हालत देखें क्या हो रही है और ये घर की हालत देखें। अब जो है ना, ये बच्चों ने सारा फैलाया हुआ है तो अब मैं जल्दी से ये सब सफाई करूँगी। रोज़ाना रात को जितना भी करके सो जाओ ना, उसके बाद भी सुबह ये हाल होता है। तो ये कमरे में भी बच्चों ने खेल खेल के ये किया हुआ है। ईशल की फ्रेंड्स आती हैं, वो सब रात को खेलती हैं और उसके बाद दूसरे कमरे का तो वैसे हाल कोई नहीं है। वो देखें बच्चों ने अभी नाश्ता करके दोनों सुकून से खेलने में लगे पड़े हैं और ये इनका खेल थोड़ी देर का ही, उसके बाद ये लड़के भी बैठ जाते हैं। तो बस मैं अभी जल्दी से सफाई करूँगी, चीज़ें समेटूँगी और साथ साथ देखते हैं आगे क्या करती हूँ। ये जी, जब मैं सफाई करने लगी तो मैंने एक दो जगह जाले शाले देखे तो मैंने झाड़ू उठाया फ़ौरन से, फिर वो उतारने की कोशिश की। तो बस मिट्टी वगैरह हो रही थी, थोड़ी हफ्ता हो गया था मैंने ऐसे मतलब दीवार को साफ़ नहीं किया था। तो बस फिर जी काम लंबा हो गया, उसके बाद जो सफाइयाँ की काफ़ी टाइम हो गया था मुझे। तो बस फिर मैंने कमरे तो छोड़ दिए, पहले जो है ना हॉल के पीछे लगी सारी मिट्टी वट्टी उतारी, जाले शाले उतारे। छोटा सा घर है और है हवादार और इस वजह से ना बहुत ज़्यादा मिट्टी आती है। तो बस फिर क्या था, फिर यही था, फिर सफाइयों में लगी 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 मुझे शाम हो गई। और यहाँ पे भी मैं तकरीबन हर कोने कोने से मिट्टी शट्टी सब निकाल रही हूँ। तो ये देखें जी, ये हालत है आपकी बहन की। जी तो सारी दीवारें शिवारे मैंने साफ़ कर ली हैं और छत से इतना कलर गिरा है और ये नीचे की हालत देखें क्या हो गई थी, उल्टा और ज़्यादा कचरा हो गया था। यहाँ पे मैंने फ़ैन को भी साफ़ कर लिया था जितना मुझसे हो रहा था और उसके बाद मैंने सारी दीवारें अच्छे से साफ़ कर ली, इनसे भी डस्टिंग वगैरह कर ली, जो चीज़ें साफ़ करनी थी सब कुछ कर लिया। तो अब बस मैं इसकी क्लीनिंग की बारी है। यहाँ पे ना, तो यहाँ पे मैं थक के बैठ गई थी और यहाँ पे मैंने ईशल को लगा दिया, सर्फ़ डाल दिया था, पानी डाल दिया। वैसे पहले मैंने झाड़ू लगाई और उसके बाद मैंने ईशल को ना सर्फ़ डाल के दिया और मैं शाहजहान को सुलाने के लिए आ गई थी। यहाँ पे ईशल को मैंने बोला जल्दी जल्दी से ये क्लीन करो,
तो इनको खेलने का ना बड़ा मज़ा आ रहा था, उल्टा कचरा कर रहे थे, तो मैंने फिर इनको बोला कि चलो झाड़ू रगड़ो जब तक मैं शाहजहाँ इनको सुला लेती हूँ। तो यहाँ पे बस ये शल वही कर, तो बस ये होना क्या था, काम करते करते लग गई भूख। अब यहाँ पे मैं अपने और ईशल के लिए बना रही हूँ मैगी, और शाहजहाँ उठने वाले हैं तो उनके लिए दूध भी बना के रख दिया है, तो इसलिए अब मैं साथ साथ बना रही हूँ मैगी जो जल्दी से बन जाए, क्योंकि काम करते करते ना आपकी आपी को बहुत भूख लग जाती है, तो इतना काम नहीं करती जितना भूख लग जाती है। तो बस जल्दी से यहाँ पे मैं मैगी बना के बस ये खाएंगे हम। तो जो यहाँ पे आ गए थे मेरे हस्बैंड, और अभी हम लोग बस जल्दी से तैयार हो गए मैं, और हमें जाना था इम्तियाज़ मॉल, तो बस अभी मैं नीचे उतर रही हूँ सीढ़ियों से, और ये हम आ गए इम्तियाज़ मॉल। मुझे कुछ सामान लेना था और हस्बैंड को भी कुछ चीज़ें लेनी थी, तो बस यहाँ पे हम लोग आ गए इम्तियाज़ मॉल, और जल्दी से बच्चों को रेडी किया, इतनी सफाई की और वो तो अभी तक दिखाई ही नहीं। चलें कोई बात नहीं, अगले ब्लॉग में देख लीजिएगा। और यहाँ पे हम आ गए इम्तियाज़ मॉल, और ईशल की चल रही है मस्तियाँ, और जो है ना बस ये आज का हमारा ब्लॉग था। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा, और तो ये था जी हमारा छोटा सा ब्लॉग। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा, और पसंद आया हो तो अभी के अभी जाएं नीचे और लाइक करें और शेयर करें और कमेंट करें और सब्सक्राइब करें, और जो भी कुछ गलती वलती हो तो प्लीज़ वो भी मुझे गाइड कीजिएगा, और आगे आप लोग कैसा ब्लॉग्स देखना चाहते हैं वो भी प्लीज़ बताइएगा, और आई होप कि सब कुछ ठीक रहा होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड अल्लाह हाफिज़।